नमस्कार फ्रेंड्स। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं अनिल और आज होली का दिन है। हम लोग हैं मैयर के होटल वृंदा में। मैं शैलेंद्र सिंह, एडिशनल कलेक्टर मैयर, अनिल के साथ हूँ। अनिल, पूरा नाम क्या लिखते हो आप? अनिल अहिरवार। अनिल अहिरवार। अनिल एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो अपने परिवार की सपोर्ट करने के लिए आज होली में भी घर नहीं जा पाए। अनिल, क्या कहोगे? ठीक नहीं लग रहा होगा? बिल्कुल नहीं सर, फैमिली के कारण के समय घर पे नहीं जा पाया हूँ कि फैमिली प्रॉब्लम होते हैं जो पारिवारिक परेशानियों की वजह। और सर, जहाँ जॉब कहते तो आपको पता ही है कि कैसी कंडीशन होती है। बिल्कुल, लोगों की मजबूरी में जॉब कहता हूँ मैं सर जी। अनिल की तरह बहुत सारे लोग हमारे सोसाइटी में अनिल ऐसे हैं जो अपने माँ बाप से, भाई बहन से, दोस्तों से नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, और त्योहारों पे, मौक़ों पे, खास मौक़ों, जन्मदिन वगैरह पे भी उनसे मिलते नहीं हैं जी सर। और अपनी नाराज़गी बनाए रखते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी हजारों साल है। नहीं, तो कभी कभी हम उनसे तो मेरा यही कहना है, जो भी है, सिख भी है, जो भी लड़ाई झगड़े सबके बीच में होते हैं, तो अपने फैमिली वालों से, दोस्तों से अपने साथ में खेले होली, हर त्यौहार अपने फैमिली के साथ मनाए। मेरा तो यही, क्योंकि मेरा तो ये फैमिली प्रॉब्लम है कि मैं नहीं मना पाता हूँ अपनी फैमिली से, अपनी जिम्मेदारी का। तो ये जॉब कब से कर रहे हो आप? यहाँ जो मतलब रेस्टोरेंट वगैरह में काम करना आपने कब से शुरू किया? मैंने 2017 से काम कर रहा हूँ। काफ़ी लंबा, 6-7 सालों का समय हो गया। तो पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई तो सर मैंने बहुत ही कम की है, पाई है फैमिली प्रॉब्लम, 7वीं तक। तो हम लोग पहले तो ये चाहेंगे कि आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मुकाम पर पहुँचें। सब लोगों की यही दुआ है आपके साथ में जी। और मम्मी पापा आपके क्या काम करते हैं? यही मजदूरी का काम करते थे। अच्छा, माता पिताजी मजदूरी करते हैं। तो घर के यही फाइनेंशियल चैलेंज के कारण आपको जॉब करना पड़ा होगा। तो इसके अलावा मैं एक बात और अनिल के बारे में बताना चाहता हूँ। अनिल बहुत मेहनती हैं और साथ में ये एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर भी हैं जी सर, है ना। तो अनिल के लगभग 1.5 लाख सब्सक्राइबर इंस्टाग्राम पर है। इंस्टाग्राम पर फॉलोवर 1.5 लाख, फॉलोवर्स 1.5 लाख है, 60,000 सब्सक्राइबर, 60,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पर जी। तो बहुत ही अच्छा रिच नंबर है। इन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने इनको बताया कि मेरे दोनों प्लेटफॉर्म पे 1500 या 1800 ही सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स हैं। मैं भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ, लेकिन अनिल इससे कुछ फ़ायदा भी होता है, कुछ इनकम हो जाती है? इंस्टाग्राम पर होती है सर। इंस्टाग्राम पे कैसे पैसा मिलता है? वो जो मैं वीडियो बनाता हूँ, स्टोरी की टाइप की बनाता हूँ, फोटो लगा के एडिटिंग वीडियो, तो उसमें जो लोगो आते हैं प्रमोट का, उसका वो लोगो लगाता हूँ तो उसका पैसा मिलता है। ओके, तो अनिल तुमको मतलब एडसेंस का या किसी ब्रांड या इवेंट को सपोर्ट करने का, अपना छोटा एडवर्टाइज करने का पैसा मिल जाता है? लगभग कितना पैसा मिल जाता होगा महीने? 5-6 हज़ार रुपये सर। 5-6 हज़ार रुपये अलग अलग इवेंट्स के जी। तो बहुत बढ़िया बात है। अनिल जहाँ फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं ये सोशल मीडिया में ना केवल अपने वीडियो डालते हैं बल्कि इससे अर्निंग भी करते हैं जी सर। तो बहुत सारे लोगों का सपोर्ट होगा आपको, 1.5 लाख फॉलोवर्स तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो हम सब लोग दुआ करेंगे कि जल्दी आपके फॉलोवर्स और जल्दी जल्दी गेन करते जाएँ और आप मिलियंस में पहुँचें और अच्छी इनकम करें और मेहनत करें। अनिल, दोस्त सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे होली पर कि फैमिली और उनके साथ, तुम तो अपनी फैमिली के साथ नहीं हो, लेकिन बाकी लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं सभी से ये निवेदन कहता हूँ कि आप जो भी सिकवे हो, लड़ाई झगड़े सबके बीच में होते हैं, तो जो नहीं घर पे जा पाए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ मनाए, सभी त्यौहार मनाए। और मैं तो क्योंकि फैमिली कंडीशन की वजह से बाहर रह रहा हूँ, तो इसलिए मैं कारण नहीं होली मना पा रहा, होली पे नहीं जा पाए, लेकिन कोशिश करूंगा नेक्स्ट होली अपने फैमिली के साथ। हम लोग भी ये दुआ करेंगे कि आपका हर त्यौहार अपने घर वालों के साथ हो और इस बार की होली आपके साथ हम लोग शुरू करते हैं जी। मैं आपको गुलाल लगा देता हूं और होली की होली सर जी आपको भी। तो देखा आपने, ये थे अनिल जो की लगातार मेहनत कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि, और अनिल भी ये चाहते हैं जी सर, कि सब लोग अपने फैमिली के साथ होली हर त्यौहार खुशी और हर्षोल्लास के साथ जी। बिल्कुल सर, हमारे साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर जी।